अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाएं, यहाँ देखिए सूरज कितना प्यारा लग रहा है। छुपा हुआ अब निकलने वाला है, तुलू होने लगा सूरज, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन लगता है बादल बने हुए हैं, पता नहीं बारिश होती है कि नहीं। चांस तो है आज 40% कह रहे हैं। देखें अब शेड्स दोबारा से सारी दी हुई हैं। सच्ची ना व्लॉग बनाने का मज़ा आता है, शीट्स वगैरह दी होती हैं, बंदा सोचता ही रहता है क्या बनाए क्या ना बनाए। क्योंकि पूरा दिन भी शीट पड़ी रहती है। ये देखें जो एक दिन पहले ज़रा ड्राई होते हैं वो प्रॉपर गीले हुए होते हैं। ये देखें, अच्छा यहाँ देखें जी टेक्सचर। सोचा था इधर कोई बनाती हूँ वीडियो तो टेक्सचर निकाल के, लेकिन यहाँ भी यही हाल है। मैं सोच रही थी आज सुकून से जाके व्लॉग बनाऊंगी, शीट्स वगैरह सारी उतार देंगे, लेकिन लगता है कि बारिश हो जाएगी, चांस लग रहे हैं। मैं वीडियो ही सबसे पहले रिकॉर्ड करती हूँ खामोशी में, वो ही वाइट सीमेंट वाली वीडियो उस दिन की, तो उसके बाद फिर हम बनाएंगे व्लॉग अच्छा सा। अच्छा यहाँ देखें मड है, ये ग्रेनी मड, ग्रीटी मड, वो प्योर मड, ये बाकी जो दूसरी मड, ये ग्रे मड, ये ब्राउन मड। मसला यही कि फिर से गीली है। ये यहाँ देखे ज़रा कितना ना मुलायम सा लग रहा है, ये इसको मैं सोच रही हूँ। देखे वाह, यहाँ स्टैंड पे लगा ली, लेकिन स्टैंड मैंने काफ़ी ऊंचा किया हुआ है वीडियो के लिए, लेकिन हम ब्लॉग के लिए इसको नीचे करते हैं थोड़ा। हाँ जी थोड़ी सी कहीं बैठ के बस ये ले लो। चलें जी, यहाँ मोटर फिर से चल पड़ी है। ये देखें सबसे पहले इसको उठाते हैं, ये जो इस तरह के होते हैं ना, ये लो। अच्छा कल व्लॉग मैंने बनाया था, मैं एडिट करी थी, इतना अजीब मतलब शोर शराबा। और मैं सोची थी छोटा सा बंदा व्लॉग बनाए और चज का बनाए। बस बेटा
अभी भी थोड़ी सी है लेकिन अभी डैम ही है। अच्छा भैया देखो, टॉप मेसिन थे ना जिसकी वीडियो बना रही थी, वो थोड़े वो है और ये बाकी डैम हुए पड़े हैं। क्या होगा रे बंदा, इधर इसको छोड़ते ही मैं आपको दिखाती हूँ। इसके नीचे थी मेरी, लेकिन ये भी गिली हो गई नहीं है। ज़मीन पे टेक्सचर जो है ना कभी महफूज नहीं रहता, गीला हो ही जाता है। वो देखें, हालांकि कुछ ड्राई था, बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी है, ग्रेनी मर्ड है ये। चलो ठीक है, सीटें भी सारी फिर नहीं उठा सकते, बारिश लग रही है कि किसी टाइम भी आ सकती है। वो पीछे इसमें देखें, उठ जाते हैं। अच्छा ये देखें ज़रा, ये मेरा वाइट स्टोन टेक्सचर है, ये बोरी से निकला है, ये इतने दिनों का बोरी में पड़ा हुआ था। ये देखिए, मैं कह रही हूँ इसके ऐसे ही हम चंक्स निकाल लेंगे। यहाँ थोड़ी ग्रिंडिंग करते हैं, ये भी डैम टेक्सचर है, फटाफट इसकी क्रिमलिंग कर लेते हैं फटाफट। ऐसा कर जैसे रात हुई है, अंधेरा हुआ बड़ा। अच्छा पहले मैं जब भी डैम क्रिमलिंग करती थी ना, मैं नाम लेती थी निमरा अली का और निधा यावर। मैं सोच रही हूँ वीडियो ही बना लूँ, ठीक है, सारे झंझटों को छोड़ के पहले हम बनाते हैं वीडियो।
अच्छा जी, यह वीडियो रिकॉर्ड की वाइट सीमेंट की, इसमें डाला था हमने वो ना बोरियों वगैरह के अंदर से ना था वाइट सीमेंट, हार्ड हुआ पड़ा था, उसको तोड़ा इंट के साथ और इसके अंदर ऐड किया, और ये पता नहीं क्यों हार्ड होने के बजाय सॉफ्ट हो गया, इतना इसका क्रंची साउंड होता था। अच्छा ड्राई हो किसके रिजल्ट का पता चले, काफ़ी ज़्यादा था वो, कुछ डाला था कुछ रख लिया, इसलिए रखा था कि कहीं हार्ड ना हो जाए, नहीं पता उसने इसको सॉफ्ट कर दिया ज़्यादा ही। हाँ अब देखें वो ग्रीटी है, उसको मेरा दिल करता है इधर फिर क्रम्बल कर लें हम, इसको मैं थोड़ा इधर को निकालती हूँ। ग्रीटी तो हम करते हैं ना, सोच रही इन दोनों को मिला के एक ये भी था वो वाला टेक्सचर है वाइट सैंड और सीमेंट वाला, इसको उसके उस पर रख दें। चलिए जी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ज़ीरो साइज स्टोन में तो हों टेक्सचर दो होंगे लेकिन अलग एक वीडियो एक आ जाएगी इनकी, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत छोटी वीडियो बननी है, तो ये वाइट ग्रिटी और स्टोन की ये बन जाएगी एक वीडियो। ये इसका हम थंबनेल ले लेते हैं, और जितना हुआ वाइट स्टोन अक्सर ज़ीरो साइज स्टोन उतना हो जाएगा, क्रम्बल जितना ये हुआ उतना हो जाएगा, वीडियो एक बना देंगे। ओके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें जी वीडियो रिकॉर्ड की है, दो टेक्सचर मिक्स मैंने पहले बताया, ज़ीरो साइज स्टोन जो है ना कुछ ड्राई था कुछ डैम, तकरीबन डैम ही था ज़्यादातर, ये चेक करें ज़रा। अच्छा ये वो भी ज़ीरो साइज स्टोन है लेकिन ये ना वो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम उठाते हैं ताकि ये ना ये देखें यहाँ जो टेक्सचर है ये ग्रिटी है, इसको अलग करते हैं, यहाँ तीन टेक्सचर बिखरे पड़े हैं, खड़े होकर थोड़ा दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये है ज़ीरो साइज स्टोन, ये वाइट सीमेंट, ये ग्रिटी टेक्सचर, वो पीछे सैंड और वाइट सीमेंट है, उससे पीछे वाइट सैंड है, अभी वाइट दो टेक्सचर और पड़े हुए हैं जो कि अभी बनाए नहीं हैं। यहाँ से थोड़ा मैं सोच रही हूँ अगर यहाँ से कोई उठाई जा रही है ना, ये देखें उठाई नहीं जा रही, ज़मीन के साथ लगी हुई है, ये देखें
अपने स्कूल फिलहाल छोड़ते, मैं आपको ये दिखाती हूँ यहाँ किया था मैंने रियू सीमर टेक्सचर क्रम्बल, ऐसे थोड़ी सी क्रम्बलिंग है दो शेप से, ये डैम थी अभी ना कनेक्ट में फटाफट ये बना लूँ पहले। सारा टेक्सचर डैम नहीं था, मतलब कुछ शेप्स थी। अच्छा ड्राई हो गया, इसका रंग ना काफ़ी अच्छा लगता है, अब तो ब्राउन ब्राउन हुआ पड़ा है। तो कल भी बारिश है, फिर मुझे लगता है उसके बाद कोई चांस है। ये मेरा गोल्डन टेक्सचर, वो पीछे वो गोल्डन स्टोन, वो टप में गोल्डन ग्रिटी गोल्ड टेक्सचर सैंड और गोल्ड मिक्स हैं जिसमें सही। यहाँ क्लीनिंग की थी कल फिलहाल, लेकिन वो टेक्सचर अंदर ही है अभी, ना ही खोलने को कुछ है। हालात के हाथों मजबूर हैं। इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। यहाँ फिर आ गया मल्टी स्टोन, इसको फिर कर लेते हैं थोड़ा क्रम्बल। ये देखें जी, यहाँ करते हैं हम स्क्रैपिंग।
ये देखें, ये तो पूरा वो शेप बनी हुई थी अंदर, वो वाली हार्ट शेप बनी हुई थी। वो ब्लैक कंक्रीट वाला टेक्सचर है जिसको हमने रीन्यू किया था। चलिए ओके ठीक है, अपनी दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।